तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक हिडन फीचर, या बोल सकते हैं हिडन मेन्यू बताने वाला हूँ, जिसके अंदर जाके आप सारे जो कि सैमसंग के ऑफिशियली एप्स होते हैं उन सबके सेटिंग्स कर सकते हैं सिर्फ एक ही सेटिंग के अंदर जाके। आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, और इस वीडियो पर मैंने 50 लाइक रखे हैं तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर देना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल का एक हिडन सेटिंग के बारे में जो कि सैमसंग गैलेक्सी के अंदर। दोस्तों ये सेटिंग कैसे काम करेगी सबसे पहले आपको बता दूं। तो यहाँ लाइक मान लो, सबसे पहले मैं यहाँ पर गया फोन वाली डायलिंग ऐप में। यहाँ पर जाने के बाद अगर मुझे कुछ इसकी सेटिंग करनी है तो मुझे इस डायलर ऐप में जाना होगा, फिर मुझे इसकी सेटिंग को एक्सेस करना होगा। ऐसा ही मान लो मुझे कोई दूसरी लाइक मुझे यहाँ पर कैमरे की सेटिंग करनी है तो मैं कैमरे में जाऊँगा। कैमरे में जाने के बाद फिर यहाँ सेटिंग पे जाऊँगा, फिर जाके मैं इसकी सेटिंग एक्सेस कर पाऊँगा। तो मतलब कि अगर मुझे पर्टिकुलर एक ऐप की सेटिंग करनी है तो उस ऐप में मुझे वहाँ पर जाना होगा। बट ये बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता है अगर हमें बहुत सारी ऐप्स में सेटिंग्स करना हो तो एक एक ऐप में जाना होगा। मैं आपको एक हिडन मेन्यू बता रहा हूँ जो कि सैमसंग गैलेक्सी में मिलता है, जिससे आप सैमसंग की जो प्री इंस्टॉल्स ऐप होती हैं सबकी सेटिंग कर पाएंगे फिर एक ही ऑप्शन में जाके। कैसे? तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स करके, आपको दिख रहा होगा एप्स करके एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको उसके अंदर चले आना है। उसके बाद जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सैमसंग ऐप सेटिंग्स करके, आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको उसके अंदर चले जाना है। जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो उसमें जितनी भी सैमसंग की एप्स होंगी सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी, गुड लक वाली ऐप छोड़ के, और जितने भी आपने अदर डाउनलोड करके रखी हो लाइक गूगल प्ले स्टोर से या गैलेक्सी स्टोर से या एनी अदर कहीं से भी डाउनलोड करके रखी हो वो नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको जो सैमसंग में प्री इंस्टॉल्स आती हैं वही यहाँ पर मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे लाइक यहाँ पर दिया है एयर जोन की, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट खुल जाएगी। ऐसे ही अगर आपको बिक्सवी करना है तो बिक्सवी की सेटिंग खुल जाएगी इजीली। ऐसे ही बिक्सवी विजन की करना है तो वो आ जाएगी। बिक्सवी वॉइस की करना है तो बिक्सवी वॉइस की सेटिंग खुल जाएगी। ऐसे ही कैलेंडर की सेटिंग करना है तो कैलेंडर की सेटिंग खुल जाएगी। कॉल सेटिंग करना है तो कॉल सेटिंग खुल जाएगी। कैमरे की सेटिंग करना है तो कैमरे की सेटिंग खुल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था। क्लॉक की सेटिंग करना है तो क्लॉक की सेटिंग खुल जाएगी यहाँ पर। कॉन्टैक्ट की करना है तो कॉन्टैक्ट्स खुल जाएंगे यहाँ पर। कॉन्टैक्ट की सेटिंग ये आपकी जो कि कॉन्टैक्ट सजेशन वाले होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिजिटल वेलबींग की हो रही है तो यहाँ पर सेटिंग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फाइंड माई मोबाइल की सेटिंग्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फाइंडर की भी यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। मतलब कि ए टू जेड जितनी भी ऐप होती है ना सैमसंग की भाई, सबकी सेटिंग आप यहीं से ही कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि भाई मान लो हमने अभी मोबाइल को रिसेट कर लिया, फिर कुछ हमने मोबाइल की सेटिंग्स को चेंज आउट करना है या देखना ही है हमें मोबाइल की सेटिंग, तो आप फटाक से इस ऑप्शन पे आइए और सारी सेटिंग्स को आप एक बार व्यू कर सकते हैं, और कुछ एडिट करना हो तो फट से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे गैलरी की आ गई या गेम बूस्टर की आ गई, ए टू जेड जो आपको पता भी नहीं होगी ना भाई सैमसंग की ऐप्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ग्रुप शेयरिंग ऐप, हेल्थ पर प्लेटफॉर्म ऐप जो कि बैकग्राउंड में काम करती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। मैसेज ऐप, मोड्स एंड रूटीन ऐप्स, माय फाइल्स की सेटिंग्स हो गई, वन यूआई होम की सेटिंग हो गई। मतलब कि जो यार इसमें तो ऐसी कुछ ऐप्स होंगी जो आपने फर्स्ट टाइम ही नाम सुन रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कम लोग ही सारी ऐप्स के बारे में जानते होंगे। लाइक क्विक शेयर्स आ गया, रिमाइंडर्स आ गया, रिमाइंडर की सेटिंग आ गई, सैमसंग क्लाउड्स की सेटिंग आ गई, सैमसंग फ्री की सेटिंग्स आ गई, सैमसंग हेल्थ की सेटिंग आ गई, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र एंड देन बीटा ब्राउज़र दोनों की सेटिंग आ गई, सैमसंग मैनेजर, सैमसंग म्यूजिक, सैमसंग नोट, सैमसंग पासवर्ड, सैमसंग विजिट इन, सैमसंग वॉलेट, सिक्योर्ड फोल्डर, सैमसंग स्विच, स्मार्ट टच कॉल, स्मार्ट थिंग, टेप्स, वीडियो प्लेयर, वॉइस रिकॉर्डर, वेल्थ ऑटोमेटिक जितनी भी होंगी ना सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इतनी ऐप आपको सब यहाँ मिल जाएंगी जिसकी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होता है, डिफ़ॉल्ट ऐप्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्राउज़र ऐप में आप डिफ़ॉल्ट पे सेट आउट कर सकते हैं कि जब भी कोई यूआरएल पे आप क्लिक करें बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन से ब्राउज़र पे क्लिक हो तो आप यहाँ पर उसको सेट आउट कर सकते हैं। ऐसी कॉलर आईडी जो भी आए तो वो कौन से उस पे आए वो आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। डिजिटल असिस्टेंट ऐप सेट आउट कर सकते हैं। होम ऐप लाइक आपने अगर किसी का भी लॉन्चर डाल रखा है तो वो आपको यहाँ पर सेट आउट करना होगा। फ़ोन डायलर दूसरा यूज़ कर रहे हो सेट आउट करना है तो आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। सैमसंग मैसेज ऐप को यहाँ पर सेट आउट करना हो, ओपनिंग लिंक सेट आउट करना, मतलब ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इसका डिफॉल्ट ऐप में जाके सेट आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ हिडन मेन्यू थे जो कि मैंने आपको बताया,
हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, बट मेरे को जहाँ तक नॉलेज है बहुत कम लोगों को ही पता होगा, अधिकतर लोगों को नहीं भी पता होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। भाई प्लीज़ भूल मत जाना, 50 लाइक करना है तो लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक हो सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।